इसने कहा जो काम मनुष्यों से नहीं वो किससे हो सकता है, किससे हो सकता है। ये बड़ा चमत्कार किया खुदा ने, बड़ा चमत्कार, बड़ा काम किया। ये नॉर्मल गवाही नहीं है, छोटी गवाही नहीं है ये। पर जैसे ही खुदावंद ने मेरे मुंह से वर्ड दिया कि जिन जिन खेतों में ऐसा हुआ है चलकर क्रूस बनाओ, क्रूस का मतलब समझे, जैसे मान लो ये पूरा एक किला है, ये स्टेज है, एक बार सीधे चलो एक बार ऐसे चलो, क्रूस बनाना है चलकर। ब्रदर संगरूर के रहने वाले हैं और इस ब्रदर जी का नाम बलकार सिंह है और जो जिला संगरूर शहर और गांव घोड़े नाव के रहने वाले हैं और जो ब्रदर जी किसान है और इनकी गवाही जे बता रहे कि जैसे पिछले कुछ दिनों में बहुत तेज बारिश होने के कारण जो इनके खेत थे वो पूरे पानी से भर गए थे और उन दिनों में इन्होंने धान की खेती के बूटे पौधे लगाए थे और जो बता रहे कि जिसके कारण बहुत तेज बारिश होने के कारण जो इनके पौधे थे वो पूरे डूब चुके थे और उस समय इन्होंने जब बारिश बहुत तेज हुई थी और बहुत ज़्यादा इनके खेतों में पानी भर गया था और उस समय इन्होंने वीडियो बनाई थी। अब हम पहले उस वीडियो को देखेंगे। हाँ देख लो भाई की हाल है यार किसाना का, जी दी बरे। आ देखो इंच इंच नंगी हैगी, इधरली बाई का पति नहीं है जी दी बरे हैगी कदा। और जैसे हमने वीडियो में देखा कि बहुत ज़्यादा उन दिनों में पानी भर गया था इनके खेतों में और जो इन्होंने धान के पौधे लगाए थे बूटे लगाए थे वो पूरे डूब चुके थे और जिसके कारण जे ब्रदर जी बहुत ही परेशान हो चुके थे और जे बता रहे कि इन्होंने पानी तो निकाल दिया था पर जो बूटे थे जो पौधे थे वो गल चुके थे। और हम पहले उन पिक को देखेंगे और हम देख सकते हैं कि जो अलग अलग पिक है कि जो इनके कुछ बूटे गल गए थे बहुत ज़्यादा पानी के कारण, बहुत ज़्यादा सड़ गए थे और जिसके कारण जे ब्रदर जी बहुत ही परेशान हो चुके थे। और जे बता रहे ब्रदर जी कि इन्होंने बहुत ज़्यादा इसके लिए जे परेशान हो गए, फिर इन्होंने दवाई भी बहुत ज़्यादा इन्होंने खेतों में दवाई भी डाली पर उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा था जो इनके पौधे थे। और फिर जे बता रहे कि इन्होंने जो कंपनी वाले भाई होते हैं उन्होंने उनको बुलाया और वो जब इनके खेतों में आए तो उन्होंने भी बताया कि जो आपके पौधे वो पूरी तरह सड़ चुके हैं, गल गए हैं और इसका कोई भी हल नहीं होगा और वो भी इनको जवाब दे गए थे और जिसके कारण से ब्रदर जी और भी परेशान हो चुके थे कि जो इनके पूरे खेत हैं इनकी जो फसल है वो तो इस बार ख़राब हो जाएगी। और जैसे जो ब्रदर जी परेशान हो गए थे फिर उन्होंने बताया कि जैसे इनके प्रभु के दास के साथ इस ब्रदर जी की बात हुई और जब ब्रदर जी ने प्रभु के दास बात की कि ऐसे जो मेरे हमने इस बार धान की खेती के पौधे लगाए हैं और वो पानी के कारण पूरी तरह से पौधे खराब हो गए और जैसे प्रभु के दास के मुख से वर्ड आया कि परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं और आप क्या करते हो अगर आप विश्वास करते हो तो परमेश्वर बिल्कुल अच्छा करेंगे। और जैसे प्रभु के दास के मुख से वर्ड आया कि जितनी खेती में जो आपकी फसल है जो पौधे वो खराब हुए उस खेती में आपने चलकर क्रूस बनाना है और जैसे इस ब्रदर जी ने इस वर्ड को रिसीव किया और जैसे जे ब्रदर जी अपने खेतों में गए और विश्वास से जितनी खेती में इनके जो पौधे थे वो गल गए थे और पूरे इन्होंने चलकर क्रूस बनाया। और फिर जे ब्रदर जी बता रहे कि जे विश्वास करते रहे, धन्यवाद करते रहे और जे ब्रदर जी 20 दिन तक अपने खेतों में नहीं गए और जैसे 20 दिन बाद जे अपने खेतों में गए तो इन्होंने देखा कि जो पौधे पूरी तरह गल गए थे, सड़ गए थे और वो पौधे जो थे वो हरे होने शुरू हो गए। और अभी हम उस पिक को देखेंगे और हम देख सकते हैं कि जो फर्स्ट पिक है पहले जब जैसे हमने पहली पिक में देखा था कि वो पौधे गल गए थे और फिर जैसे जो वर्ड परमेश्वर ने अपने दास को दिया था इन्होंने रिसीव किया तो वो पौधे जो थे वो जो पहली पिक है वो 20 दिन के बाद ऐसे हो गए। हाँ जी हाँ। और सेकंड में जो थे वो सेकंड पिक में फिर उन्हें विश्वास में बने रहे और सेकंड में फिर से जब खेतों में गए तो
तो वो और भी बड़े होने शुरू हो गए और उसके बाद जो और भी विश्वास में बने रहे और धन्यवाद करते रहे। और अभी हम इनकी थर्ड पिक को देखेंगे। अभी हम इसमें देख सकते हैं कि जो मुंजरे हैं वो भी आनी शुरू हो गई हैं और इसके लिए जो परमेश्वर का बहुत ही धन्यवाद करते कि जो कंपनी वालों ने बोल दिया था कि इसका कोई हल नहीं है, पर परमेश्वर की सामर्थ के साथ हम देख सकते कि वो फल भी फसल में जो मुंजरे वो भी आ चुकी है। और इस बड़ी गवाही के लिए जो परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। अभी हम इस गवाही को इनके इन्होंने भी इनके मुख से भी सुनेंगे इस वीडियो को। सारे नूं जय मसीह जी। मैं पिंड घोड़े नाव जिला संगरूर का रहन वाला हाँ। मेरा नाम बलकार सिंह है। मेरा काम खेती का है। पिछले समय के बारिश ज़्यादा आने कारण मेरी फसल डुब गई सी। डुबन के कारण ज़्यादा लंबा सर उ पानी खड़ा रहा। वो कारण असी ट्यूबवैल ला के उन्हें पानी नूं कढ़िया। कढ़ के पानी मेरे बूटे बिल्कुल सड़ गए सी। सड़न के कारण मैं दवाइया वाले की दुकान पर गया तो उन्होंने मैं दवाइया दतिया तो मैं हर प्रकार की दवाई करता रहा। तो मैं हर एक कंपनी की महंगी तो महंगी दवाई करता रहा। जिमें कहते रहे मैं उन्हीं करता रहा तो मैं कोई भी रिजल्ट नहीं मिलया। फिर उदू बाद मैं उन्होंने मिलया तो उन्होंने मैं दसिया कि सोडी दवाई ने कुछ भी हल नहीं किया। वह कहते नहीं ब्रदर जी सुडा हल हो जूगा। तो मैनू वह कहें भी कंपनी च असी फोन करांगे, कंपनी च वह बंदा भेजणगे, उधरी फसल नूं चैक करनगे, चैक दे कारण उसका हल हो जूगा। मैं दो दिन डीकदा रहा तो उदों बाद बंदा आया तो उन्होंने मेरी फसल नूं चैक किया। फसल चैक करने तो बाद उन्हें मैं साफ साफ कहता भी नहीं ब्रदर जी सोने कोई भी दवाई नहीं पानी, इहदा कोई भी हल नहीं है। साडे बूटा बिल्कुल सुक गया, ये उत्तों तो लैके थले तक सुकदा जा रहा है। साड़ी दवाई ने काम करना थी तो उसका कोई भी रिजल्ट नहीं आया। तो उस टाइम मैं कहा परमेश्वर बेशक ये जवाब दे सकते हैं पर तू जवाब नहीं दे सकता। मैं उस टाइम मन के सोचा कि मैं फोन लावांगा। मैं रब के दास नूं जदों फोन लाया तो उन्होंने कहा नहीं बेटा चिंता ना कर, परमेश्वर तेरे नाल है। तो उन्होंने मैं वचन दिता कि जाओ खेत के क्रूस बनाना तुरके तो उस किले च बनाना जिथे थोड़ी फसल खराब हुई है। मैं जाया मैं मन दे विच वचन लैके उस टाइम मैं गया तो मैं क्रूस बनाया। क्रूस बनाने तो बाद 20 दिन बाद रिजल्ट मेरी फसल का बहुत सोहना रिजल्ट आया। पर उही बूटा जिहड़ा सुक गया सी उह दिनां दे विच वधण लग गया। तो अज इस फोटो के द्वारा तुसी देख सकते हो मेरी फसल में परमेश्वर ने बहुत ही ब्लैस किया। ये हो नहीं सकता जी, मेरी सोच तो भी परे है। ये इस गवाही के लिए मैं परमेश्वर का ते परमेश्वर दास का बहुत बहुत धन्यवाद करता। आमीन। जोर से जो चलता नहीं चला देता है यीशु मेरा, जो चलता नहीं चला देता है यीशु मेरा, सुखे नू हरा बना देता है यीशु मेरा। हालेलुया, सुखे नू हरा बना देता है यीशु मेरा। जो काम मनुष्यों से नहीं वो किससे हो सकता है, किससे हो सकता है? ये बड़ा चमत्कार किया खुदा ने, बड़ा चमत्कार, बड़ा काम किया। ये नॉर्मल गवाही नहीं है, छोटी गवाही नहीं है ये। अरे पूरे इनके कितने खेतों में ये पूरे बूटे सड़ गए थे, पूरी तरह से डेड हो चुके थे। बहुत मेडिसिन, बहुत दवाइयां जूस की, बहुत स्प्रे भी की, सब कुछ किया, कुछ नहीं आलू। पर जैसे खुदावंद ने मेरे मुंह से वर्ड दिया कि जिन जिन खेतों में ऐसा हुआ है चलकर क्रूस बनाओ। क्रूस का मतलब समझे, जैसे मान लो ये पूरा एक किला है, ये स्टेज है, एक बार सीधे चलो एक बार ऐसे चलो, क्रूस बनाना है चलकर। और इन्होंने वैसा ही किया जैसे खुदावंद ने मेरे मुंह से वचन दिया। और मैंने उसके बाद बोला कि आप धन्यवाद देते रहो मुंह से कि ये हो चुका है। बोलो कहीं हो चुका है, हो चुका है। क्योंकि जब भी हम हीलिंग को, किसी भी काम को, वर्ड को रिसीव करते हैं उसके बाद धन्यवाद देना बहुत जरूरी है।
यीशु मसीह ने भी चेलों को कहा था, जब तुम पहाड़ को कहो उखड़ समुद्र में जा पड़, अपने मन में संदेह ना करना, जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगते हो प्रतीति करना, विश्वास करना कि मुझे मिल गया। बोलो क्या, मुझे संदेह नहीं करना, धन्यवाद करना, हो गया। बोलो क्या है, प्रतीति करना उस बात की। इस भाई ने प्रतीति की, विश्वास की कि जो वचन खुदावंद तूने अपने दास के मुंह से दिया मैं विश्वास करता हूं। ये 20 दिन तक अपने खेतों में गए नहीं, और अभी अपने पिक में देखा कि जब 20 दिन के बाद ये गए वही सड़े हुए बूटे फिर हरे होने शुरू हुए। बोलो क्या है, हरे होने शुरू हुए। दिखा सकते हो इनकी पिक, ये नहीं दूसरी वाली, हाँ ये जो एक नंबर वाली है, जब 20 दिन के बाद गए तो ऐसे होने शुरू हो गए, पर जब फिर दोबारा देखा तो अब सेकंड दो नंबर की पिक्चर पिक में देखो कैसे वो पूरा खेत हरा भरा हो गया है, जो पूरा सड़ चुके थे, कुछ भी नहीं था, समझ आ रहे। और थर्ड में आप देखो, अब तो लाजवाब है, कहने की बात ही कोई नहीं है। ये बड़ा काम खुदावंद ने किया भाई के जीवन में, बड़ा काम, बड़ा, असंभव था पर संभव कर दिया परमेश्वर ने, क्या कर दिया। इसलिए हमारा विश्वास बड़ा होना चाहिए, खुदावंद के लिए इस दुनिया में कोई भी काम बड़ा नहीं है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जब मार्था और मरियम का भाई लाजर मर गया ना, तो यीशु मसीह ने पूछा, हाँ जब मरियम रास्ते में मिली तो यीशु मसीह को कहा, तुमने प्रभु बहुत देर कर दी, क्या कर दी, देर कर दी, अगर तू यहां पे होता तो हमारा भाई मरता ना, क्या ना मरता। तो यीशु मसीह ने कहा, क्या रख, विश्वास रख, समझ आए। तो फिर घर आया तो सेम मार्था ने भी कहा, हाँ कि अगर तू यहां होता है तो हमारा भाई मरता ना। तो यीशु मसीह ने मार्था को भी कहा, विश्वास रख, तेरा भाई सो रहा है, मरा नहीं है, क्या है बोलो, सो रहा है, मरा नहीं है। तो मार्था ने ये बात सुनकर उसने सोचा कि उसने कहा वो सो रहा है, मरा नहीं है, तो उसने कहा ठीक है, वो पुनर्स्थान के समय जी उठेगा। पुनर्स्थान समझे, जब यीशु मसीह अपने आगमन में आएंगे और मुर्दों में से जो मुर्दे जो मसीह में लोग मर रहे हैं वो जी उठेंगे। तो उसने कहा ठीक है, मुझे पता है वो पुनर्स्थान के दिन जी उठेगा। तो यीशु मसीह ने पुनर्स्थान की बात नहीं, उसने इसी समय की बात कही कि विश्वास रख, वो सो रहा और वो जी उठेगा। बोलो क्या है, केवल विश्वास रख। जब मार्था को यीशु मसीह ने उत्साहित किया, जब मार्था ने उन बातों को समझा सीखा, जब हम वचन पढ़ते तो वहां पे इतना लंबा नहीं, हमारे विश्वास के लिए वो थोड़ा सा वचन दिया, पर यीशु मसीह ने वहां पे टीच किया, सिखाया परमेश्वर कौन है, वो क्या कर सकता है। जब उन बातों को मार्था ने सीखा और समझा और फिर विश्वास किया, उसने कहा चल प्रभु मैं लेकर चलती हूं। बोलो क्या है, चल मैं लेकर चल दूं, ऐसी बात है तो मैं लेकर चल दूं। लाजर 4 दिन का कब्र में पड़ा था, बोलो क्या था, 4 दिन। तो आप देखो, अगर वो 4 दिन के कब्र में पड़े हुए मुर्दों को जिंदा कर सकता तो हम तो अच्छे भले। अगर हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम है, कोई जख्म है, कोई और प्रॉब्लम है, तो क्या वो कर सकते है कि नहीं कर सकते, कर सकता है ना। पर परमेश्वर आपके फेथ को, आपके विश्वास को, आपके मन को, आपकी तैयारी को देखता है, क्या देखता है। जब वो फेथ, वो मन, विश्वास होता है तो टूटी हड्डियां भी, बोलो क्या है, एक हड्डी टूटी को कितना टाइम लगता है जुड़ने में, पर जब बड़ा फेथ होता है, बड़ा विश्वास होता है, तो टूटी हड्डियां भी ऐसे जुड़ जाती हैं और लोग उसी समय कहते हैं मुझे प्रभु ने चंगा कर दिया है। बड़े फेथ से होता है ये। आमीन, आमीन।